अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। ख्वाजा आसिफ के हलके से अब कौन जीतेगा मारूफ साफी के सर्वे ने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। ख्वाजा आसिफ के हलके N75 से अब कौन जीतेगा मारूफ साफी हबीब अकरम के सर्वे ने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। 3 से 4 माह की मुद्दत में तहरीक इंसाफ की रेटिंग में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के हलके N75 से अब कौन जीतेगा मारूफ साफी हबीब अकरम के सर्वे ने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। 3 से 4 माह की मुद्दत में तहरीक इंसाफ की रेटिंग में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। मारूफ साफी हबीब अकरम ने N75 के हवाले से निजी TV पर तबसरा करते हुए बताया कि चंद माह पहले जब जनवरी में मैंने इस हलके में सर्वे करवाया था तो इसका नतीजा कुछ ऐसे था कि सर्वे की शुरुआत में से 46% लोगों की सियासी हमदर्दियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ थी, जबकि 43% तहरीक इंसाफ के साथ दी, जबकि ताज़ा तरीन सर्वे में हैरान कन हद तक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हो गया है। ख्वाजा आसिफ के नाइल होने के बाद करवाए जाने वाले सर्वे में 49% लोगों की हमायत मुस्लिम लीग नून, जबकि 50% लोगों की हमायत तहरीक इंसाफ के साथ थी, जबकि सिर्फ 2% लोगों की सियासी हमदर्दियाँ दीगर सियासी जमातों के साथ थी। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।